फिल्म इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज मुझे सेक्युलर लगती है। फिल्म सेट पे जब आप काम करते हैं तो अजान के लिए लोग रुकते हैं, गणपति बप्पा बोलते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, गुरुपूर्व के दिन कड़ा प्रसाद लाते हैं, ये सब होता है, क्रिसमस के दिन केक कटता है, तो हम लोग हर चीज मनाते हैं। जैसे कि हाथरस कांड हुआ, कहीं ना कहीं हमें पुलिस के रोल पे भी शक होता है। खास करके आप देखिए इंडिया में फीमेल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ बहुत अलग तरह से लोग कनेक्ट करते हैं, उनको दीदी बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। हम आज आपके सामने उसको एक खींच खींच के, बहुत थ्रो होता है, बहुत पॉज होता है, वेट करते हैं कि सारे एको ऑडियंस तक पहुंचे, तो उस तरह की चीजें को थोड़ा थोड़ा समझ के मैंने फिल्म में यूज किया है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री सोसाइटी से परे नहीं है। अगर आप जुडिशरी में जजेस की लिस्ट पढ़ें उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन कम है। बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठे हैं IAS IFS IPS लोग, उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन एकेडमिक्स में कम है, जर्नलिज्म में कम है। तो फिल्म इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट, इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन। देर आर ओनली वेरी फ्यू ब्रेव फिल्म मेकर्स हु हैव हैप्पीली लाउडली प्रोक्लेम देयर कास्ट। हेलो रिचा, वेलकम टू बॉलीवुड वर्ल्ड, एंड हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? Everything is good. Thank you. Thank you. Nice so, to talk to you. Likewise, likewise. Thank you so much. So, you know, your new film, Madam Chief Minister, is about to release in theaters. So, first of all, congratulations for a theatrical release. I mean, it's rare to see films getting in theater, released in theaters. I'm excited that it's releasing in the theaters. Of course, it will also release on OTT. But I'm really happy that the producers thought that it was strong enough to be released in the theaters at this time. So, what is that one thing about this film that you know made you say yes to this project and take up this project as a protagonist? I hadn't heard a story like this before, from any point of view, like. Not the story of a female leader, not the story which had a political background, not the story which had to do with the caste system. So when I heard the script and when sir told me that he wanted me to play Tara, I was really excited, and I think it's been my toughest role till date, and I really hope people watch it and like it. एंड एक ऐसा इंसान जो महिला होने के साथ साथ दलित भी है, आई मीन वी कैन ओनली इमेजिन द काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड द इनह्यूमन ट्रीटमेंट दैट दे आर बीइंग मीटेड आउट टू ऑन अ डेली बेसिस इन देयर लाइव्स। सो ये किरदार निभाते हुए, एक दलित महिला का किरदार निभाते हुए, स्ट्रगल की जो डेफिनेशन है वो आपके लिए किस तरह से चेंज हुई, और वो क्या चीजें हैं जो इस नए डेफिनेशन का हिस्सा बन चुकी है अब आपके लिए आफ्टर डूइंग दिस फिल्म? देखिए मेरे लिए एक रोल के द्वारा समझ पाना कि किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है वो लगभग असंभव है, बिकॉज जो लोग ये, जिनका ये लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो इससे रोज जूझते हैं, जिनके साथ समाज में अन्याय होता है, जिनके साथ अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कि हाथरस कांड हुआ, कहीं ना कहीं हमें पुलिस के रोल पे भी शक होता है, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो जरूर मैं पहले से उनके बारे में सोचती थी, पर ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि मैं इस फिल्म, एक फिल्म को करके मैं उनकी सारी परेशानियां समझ पाऊं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, जैसे हमें स्कूल में सिखाते हैं सोशल इविल, वो एक इतना छोटा शब्द है इतनी बड़ी चीज को समझाने के लिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हर हर जगह फैली हुई है, हमारे समाज का इस पे स्ट्रक्चर ही इस पे टिका हुआ है, तो ये मेरे लिए इतने कम समय में समझ पाना मुश्किल था, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। पर इसका मतलब ये नहीं मैं कोई कास्ट की स्कॉलर बन चुकी हूँ मैं, पर मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई। एक जरूरी फिल्म है, चाहे ये, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जैसे मसान जैसी कोई फिल्म बनाते हैं जिसमें जिसमें भी कास्ट सिस्टम की बात है, पर वो स्टोरी के अंदर घुसी हुई बात है, तो और वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फिल्म है जो फेस्टिवल्स में जाती है वगैरह, तो यहाँ पे एक चॉइस थी कि इस मैसेज को कमर्शियल करना है, मेन स्ट्रीम में लेके जाना है ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें, तो आई थिंक वो चॉइस निर्देशक ने की है।
और इसलिए मैं चाहती हूँ कि थिएटर में जाके लोग देखें, यूपी के लोग देखें, बिहार के लोग देखें, पूरे भारत के लोग देखें, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसे समझना जरूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे है कहानी लड़की की, वो एक अंडरडॉग है और कैसे अपने दम पे आगे आती है, वो एक इंटरेस्टिंग बात है। तो वो मैं दुनिया के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ जल्द से जल्द। And this film has an army of dangerously talented actors. I mean, we have Saurabh sir, we have you, Manav Kaul, Akshay Oberoi, and of course, Shobha Jyoti Barat. So I'm interested that what were the discussions like between such talented cast members, especially on sets of a film like Madam Chief Minister, which is essentially a political drama. देखिए, दो तीन गैंग्स थे, एक तो थोड़ा सा यंगर गैंग था और एक थोड़ा ओल्डर गैंग था, और मानक दोनों के बीच में थे। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा पर वो बहुत टैलेंटेड हैं। इस फिल्म में आपको पहली बार अच्छे बड़े रोल में नजर आएंगे। शुभ्रोदा के साथ मैं पहले बहुत पहले थिएटर कर चुकी हूँ, सौरभ सर के साथ मैंने पहले दो फिल्में की हैं, अक्षय के साथ पहली बार काम कर रही थी, वो नया और बहुत अच्छा काम है उसका इस फिल्म में, इंसान भी बहुत अच्छा है और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मानव के बारे में भी सेम कहना चाहूंगी, इतने अच्छे सेंसिटिव राइटर डायरेक्टर एक्टर हैं वो, कि उनके साथ काम करके भी बहुत मजा आया। और बातें यही होती थी, मतलब जो ये जो मैंने आपको बोला जो ओल्डर गैंग और यंगर गैंग, ओल्डर गैंग अक्सर वो NSD के किस्से विस्से सुनाते थे कि ये हुआ, फिर फला हम एक्ट वन में गए, फिर 1975 में ये वाला, फिर मैंने जब सत्या की थी तो ये हुआ, तो अपने अपने किस्से सुनाते थे, विच वॉज लॉट्स ऑफ फन। और यंगर गैंग के साथ पूरी देश दुनिया की सारी बातें होती थी, वो काफी क्रांतिकारी भावनाएं लेके चलते थे मेरी तरह। और एक एक्टर है इसमें जो मेरे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, ट्रेलर में भी आपको उनकी छोटी सी झलक दिखी होगी, उनका नाम है बबलू, कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, एक्टर का नाम है निखिल, वो भी बहुत प्यारे हैं फिल्म में, आप उनको देखिए। उनका जैसे उनका ये है कि जब वो CM बनने से पहले वो खेतों में काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप उनको देखेंगे तो मतलब बिल्कुल 90s की गोविंदा फिल्मों के सूट की तरह वो घूम रहे हैं। और एक और एक्टर है, इनका नाम है बोलो रामदास, जो कि बहुत अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं, वो भी शायद NSD से ही हैं, उन्होंने इसमें मास्टर जी के हेल्पर का रोल प्ले किया है, तो सुंदर उनका नाम है फिल्म में। तो ये सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आई एम वेरी लकी कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। और फिल्म देखने में तो लगती है कि एक टाइटुलर रोल लगता है, लड़की की कहानी लगती है, पर जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो सुभाष कपूर टाइप के जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स से प्यार करते हैं, वो उनको कितनी अच्छी तरह से स्पेस देते हैं परफॉर्म करने के लिए। अपने इस रोल के प्रिपरेशन के लिए मैं समझता हूँ खास तौर से आपने दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया होगा, among several other things. One is the oratory skills which are hygiene to any political leader. And second is a strong anti-caste sentiment which is, you know, an integral part of a story like this or a character like this. फिर से वही सवाल दोहराऊंगा जो मैंने शकीला की रिलीज के दौरान आपसे किया था, कि वो क्या लिटरेचर रहा होगा उस एंटी कास्ट सेंटिमेंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए और इस किरदार की दुनिया। एक ऐसी किताब पे मैंने ये लैपटॉप रखा हुआ है, वरना मैं आपको दिखा देती, मैंने उसको फ्रेम वो बनाया हुआ है अपना। देखिए, कास्ट को समझने के लिए हमें अपने स्कूल में जो सिखाया जाता है उससे बहुत आगे आना पड़ता है। कास्ट समझने के लिए स्कूल में हमें बताया जाता है कास्ट इज अ सोशल इवेंट, और फिर हम जो कि प्रिविलेज कास्ट के लोग हैं, हम समझते हैं कि अरे कास्ट सिस्टम इज बैंड, तो अब तो बंद हो गया होगा, अबॉलिश्ड है। फिर कभी हम किसी दूर दराज के गांव में कोई ऐसी चीज सुन लेते हैं कि अच्छा मर्डर हो गया, रेप हो गया, फिर भी हमें लगता है कि गांव देहात में ये चीजें होती हैं। फिर जब आप सुनते हैं कि रोहित वेमुला होता है या पायल तड़वी होती है या हाथरस होता है, तो आपको समझ में आता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसने कभी हमारा साया छोड़ा ही नहीं है। कास्ट को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले लोगों को अम्बेडकर पढ़ना चाहिए, जो कि इस फिल्म की तैयारी में मैंने पढ़ा, और आई फील लाइक अ चेंज्ड पर्सन बिकॉज ऑफ दैट। और बहुत सारी दूसरी चीजें, पॉलिटिकल बायोग्राफीज पढ़ी दो तीन लीडर्स की, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े, ऑपेड्स पढ़े,
जो डायरेक्टर है वो खुद पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, तो उनसे बहुत सारी कहानियां सुनी कैसे वो यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे 1990 में, वहां गए किसी लीडर से मिले, कोई लीडर अपने घुटनों में तेल लगा रही थी क्योंकि उनका घुटने दर्द कर रहे थे और वो थक गई थी अपनी बड़ी रैली के बाद, उनकी जो प्राइवेट मोमेंट्स है ना उसको कंस्ट्रक्ट करके बहुत एक रियल सी स्टोरी बनी है। और ओरेटरी स्किल्स की बात की जाए तो देखिए, अगर आपने थिएटर किया है तो कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ी ट्रेनिंग होती है किस तरह से पेट से आवाज निकाल के उसको थ्रो करके उसको यूज कर सकें। बट यहाँ थोड़ा अलग है क्योंकि आपने देखा होगा अभी पॉलिटिशियंस जब भी देखा होगा कैंपेनिंग के आसपास बिल्कुल उनका गला बैठा रहता है। गला बैठा इसलिए रहता है क्योंकि बावजूद इसके इतने सारे माइक हों, रैली में हजारों लोग होते हैं और वो बोलते रहते हैं, तो एक स्टैटिक लो ग्रेड आवाज आती रहती है, यू हैव टू टॉक ओवर इट, सो देन दे स्क्रीम, यू नो, देन दे आर लाइक हम आज आपके सामने, उसको एक खींच खींच के बहुत थ्रो होता है, बहुत पॉज होता है, वेट करते हैं कि सारे एको ऑडियंस तक पहुंचे, तो उस तरह की चीजें को थोड़ा थोड़ा समझ के मैंने फिल्म में यूज किया है क्योंकि मैंने बहुत सारी रैलीज देखी कि किस तरह से लोग बात करते हैं, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, और सच में उस तरह का ड्रामा आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिल्मों में भी नहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि ऑडिटरी स्किल्स के लिए थिएटर से आपको वो ट्रेनिंग आती है अपनी आवाज को थ्रो करना, तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने रिसर्च भी की, बहुत सारी स्पीचेस देखी, बहुत सारी जो बोलते हैं ना महान रैलियां देखी जिसमें नेता चॉपर से उतरते हैं, उनकी सिक्योरिटी आती है, ओएसडी आती है, स्पेशल फोर्सेस आते हैं, सब कुछ क्लीन करते हैं, वो जाके स्टेज पे बोलते हैं, और बोलते हैं तो मतलब क्या क्या नहीं बोलते, और आगे के लोग दीवाने हो रहे होते हैं, किसी को मास्क दिए होते हैं, किसी को झंडा दिया होता है, और कैसे लोग कनेक्ट करते हैं, खास करके आप देखिए इंडिया में फीमेल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ बहुत अलग तरह से लोग कनेक्ट करते हैं, उनको दीदी बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, तो इस तरह का जो एक वो है ना कि नाता जोड़ने वाली बात, वो बहुत एक लिटरल हो जाता है यहाँ पे जो भी जैसे मैंने पूरी कोशिश की इसमें मतलब जो भी लोग हैं ऑडियंस जो भी जिनके साथ स्पीचेस कर रहे थे उनके साथ एक नाता सा जुड़ जाए, तो कि उनको वो लगे कि ये हमारी दीदी हैं, तारा दीदी, तारा मैडम या जो भी। एंड आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्क्रिप्ट से परे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उन्होंने बुक लिखी है, क्या इस फिल्म का मेन लिटरेचर रहा है आपके लिए? देखिए एज एन एक्टर आपके लिए सबसे सर्वप्रथम जो लिटरेचर होता है फिल्म का वो होती है स्क्रिप्ट, उसके बाद जो भी आपको मिलता है वो रिसर्च रेफरेंस मटेरियल है। तो ऑफ कोर्स आई रेड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के ऊपर कुछ पेपर्स भी पढ़े थोड़े एकेडमिक, और फिर कांचा इलाहिया की बुक है व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, उसको पढ़ा थोड़ा सा, फिर दो तीन पॉलिटिकल बायोग्राफीज पढ़ी, एक जयललिता जी पे थी, एक राहुल गांधी पे, एक मायावती पे, एक आर्टिकल पढ़ा बेनजीर भुट्टो के बारे में, कुछ उनकी फैमिली में इंटरनल कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट उस सब का, तो वो सब पढ़ पढ़ के एक अच्छी सी वर्ल्ड क्रिएट हो गई जिस वर्ल्ड से शायद आप और मैं वाकिफ नहीं है। मतलब हम न्यूज में जो देखते हैं वो हमें बताया जाता है कि आज ये हुआ, ये यहाँ गए, उन्होंने ये धागा काटा, ये किया, पर पीछे जो कुछ होता है वो बहुत कुछ हो रहा होता है, तो उसके बारे में मैंने बहुत कुछ जाना इस फिल्म के जरिए, और आई थिंक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ल्ड। And you also mentioned that, you know, caste has plagued almost every arena of our social sphere in our country. So, क्योंकि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे चीजों की नो हाउ की आपको बेहतर तरीके से समझ है, इसलिए मेरा अगला सवाल बॉलीवुड से ही रिलेटेड सवाल ये कि यू नो हमारी फिल्मों में या हमारी फ्रेटर्निटी में कास्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं कुछ ऐसे नाम देखूँ फिल्म की, किसी भी फिल्म के कोर यूनिट में, तो ऐसे टैलेंट जो सोशली सप्रेस्ड क्लास से आते हैं, ऐसे बहुत गिने चुने ही नाम है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल एट द लोअर रंग ऑफ अ फिल्म यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। सो आपके हिसाब से वो क्या वजह है कि 108 साल का हमारा फिल्म का इतिहास हो चुका है, तो इन 108 सालों में कास्ट रिप्रेजेंटेशन या कास्ट पार्टिसिपेशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक थ्रेशोल्ड तो अचीव करना छोड़िए, वो एक प्रॉपर फॉर्म भी अज्यूम नहीं कर पाए। सो इसके पीछे क्या रीजन है आपके अकॉर्डिंग? देखिए फिल्म इंडस्ट्री सोसाइटी से परे नहीं है,
अगर आप जुडिशरी में जजेस की लिस्ट पढ़े उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन कम है, बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठे हैं आईएएस आईएफएस आईपीएस लोग उसमें कास्ट रिप्रेजेंटेशन, एकेडमिक्स में कम है, जर्नलिज्म में कम है, तो फिल्म इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट, इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन. देर आर ओनली वेरी फ्यू ब्रेव फिल्म मेकर्स हु हैव happily, loudly proclaimed their caste, which is one is Neeraj Gevan, one is Paar Ranjit in the South. तो ये जो लोग, और दूसरी बात ये है कि हमें कभी, मुझे लगता है कि मुझे कभी असल में पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं सच में सप्रेस या ऑप्रेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे दिमाग में ये रहेगा है कि एक ये अननेसेसरी हेडेक है, मैं क्यों, अनलेस आई हैव कम टू टर्म्स विद इट और मुझे समझ में आया है कि ये स्टिग्मा बहुत ही यूजलेस है. कोई भी अपनी कास्ट लाउडली प्रोक्लेम नहीं करता, तो ये वील नेवर नो, या तो इसको इंश्योर किया जाए. अब हम इसमें ये तो नहीं बोल सकते रिजर्वेशन करो या उस पर अलग विवाद छिड़ जाएंगे, पर मैं जरूर चाहूंगी कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री बाय एंड लार्ज मुझे सेक्युलर लगती है, फिल्म सेट पे जब आप काम करते हैं तो अजान के लिए लोग रुकते हैं, गणपति बप्पा बोलते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, गुरुपूर्व के दिन कड़ा प्रसाद लाते हैं, ये सब होता है, क्रिसमस के दिन केक कटता है, तो हम लोग हर चीज मनाते हैं. जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री ने सेक्युलरिज्म को एम्ब्रेस किया है, जो कि बहुत सारे लोगों को खटकता भी है, उस तरह से मैं चाहूंगी कि एक जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंटी कास्ट सेंटिमेंट भी हो जाए तो बहुत अच्छा, वो बहुत एक बहुत सुंदर चीज हो जाएगी वो, मतलब ना कितनी सारी वॉइसेस मिलेंगी. देखिए अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जब फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर आया था तो सबने मुझे भी कहा कि आप सावरना हो के ये रोल कर रही हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट अच्छा रोल आएगा तो क्या मैं ना करूं, या मैं वेट करूं कि कोई बिल्कुल अनटैलेंटेड जिनको हिंदी सही से बोलनी नहीं आती वो इस फिल्म का हिस्सा बन जाए और बाद में लॉबी कर करके अवार्ड ले लें या रिव्यू चेंज करवाए, जो भी मतलब व्हाटएवर, बट रिप्रेजेंटेशन की बात भी एक जरूरी बात है. पर मैं सच में चाहूंगी कि कास्ट न्यूट्रल स्पेस हो जाए, जहां मुझे नहीं लगता फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपनी कास्ट डिस्कस करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा, पर ये प्रिविलेज भी हो सकता है, इसके लिए और इसमें इनडेप्थ जाना जरूरी है. एंड मेरा अगला सवाल ये है कि यू नो स्टारडम आपको या किसी भी आर्टिस्ट को एक ऊंचाई तक तो लेकर जाता है, बट वो आपको बहुत कई सारे तरीकों से बांध भी देता है. यू नो एक स्टार की इमेज, मैंने एक स्टार के लिए अपनी इमेज के अगेंस्ट जाके, ग्राइंड के अगेंस्ट जाके अपने पसंद के रोल्स चूज करना या पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. दे कांट इजीली ब्रेक देयर इमेज इन पब्लिक when it comes to choosing scripts. So, excellence chase करने की राह पे क्या stardom किसी भी artist के लिए या किसी भी actor के लिए सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है आपके ऊपर? ये musicians और cricketers और हर ऐसी field के लिए सच है जहाँ लोगों के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं, वहाँ आप कुछ एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं तो उनको लगता है कि इससे अगला अच्छा हो, इससे अलग हो. ये इंटायरली आपके ऊपर है. अगर मतलब मेरे जैसा एक्टर जिसकी लायबिलिटी कम है, जो मेगा स्टार नहीं है, वो बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस ले सकती है, और आई थिंक दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट कि यू कैन प्ले, यू नो यू कैन एक्सपेरिमेंट, आप लिख सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, जो मर्जी, क्योंकि लोगों ने बतौर एक्टर स्वीकार लिया. अब आप एक्टर की तरह मानेंगे फिर आप कुछ भी करिए, आप फिल्म में शेरनी का रोल भी करिए तो बोलेंगे वाह वाह क्या मेथड है, मतलब कुछ उसमें बहुत सारा स्कोप है. आप जैसे बतौर स्टार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, एक इमेज में बंध जाते हैं, बट वो सब बहुत चेंज हो रहा है. अब आज 2021 में जब सब लोग वेब पे भी काम कर रहे हैं, ओटीटी में भी काम कर रहे हैं, फॉरेन फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, रीजनल फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म, हर तरह का फॉर्मेट है, तो आई थिंक वो सब बहुत चेंज हो गया. और सोशल मीडिया ने भी बहुत कुछ चेंज कर दिया. लोगों की एक परसेप्शन होती थी अपने फेवरेट एक्टर्स और स्टार्स के बारे में, वो एक कनेक्ट डायरेक्ट मिल गया ऑडियंस के साथ. आप अपने घर से कुकिंग वीडियो या डांसिंग वीडियो बना के आप उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है.
आई होप ये कंटिन्यू हो, थोड़ा इगैलिटेरियन हो जाए यहाँ पे भी. एंड लास्टली आई वुड वांट टू नो कि व्हाट्स योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म एज एन आर्टिस्ट. माय बिगेस्ट टेक अवे इज मैं बीच में ना एक्टिंग से बोर हो जाती हूँ. मतलब मेरा फर्स्ट लव है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और बचपन से करती हूँ. बट मुझे जो चीज समझ में आई अपने बारे में एज अ परफॉर्मर, मुझे चैलेंज अच्छा लगता है. जब तक चैलेंज है तब तक आई फील अलाइव एंड आई वांट टू डू समथिंग न्यू. जैसे ही मुझे लगता है कि एक एक बिल्कुल एक फिक्स्ड पाथ है, जो पगडंडी किसी ने बना दी उसी को पकड़ के चलना है, और या फिर लोग आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरह के रोल वगैरह, तो मैं थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ. तो मुझे लगता है मैं ये समझी अपने बारे में कि कलाकार को चैलेंज की बहुत जरूरत है ताकि वो इवॉल्व कर पाए. So with that we have reached the end of this conversation. I would like to know kuch aisa sawal jo mujhse puchna rahe hain ya jiske bare mein aap baat karna chahte hain. Actually honestly I want to give you a compliment. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वाला इंटरव्यू इतना अच्छा होगा और आप इतने अच्छे सवाल पूछेंगे. मैं इनको अभी रिटायरिंग को जाता था कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं चाय बनाने गई थी आप अभी जो दो मिनट जो विलंब था उसमें, बट आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और मुझे मजा आ गया. थैंक यू. Likewise. Thank you so much. And I wish you all the best for Madam Chief Minister and all your upcoming projects. Thank you. Please dekhiye. Thank you. Yes, of course. Thank you.